संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन शुरू। शाम 4 बजे से तक रेल यातायात रहेगा बाधित। कई जगह किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। गुजरात में हीरा नगरी सूरत में हुआ बड़ा हादसा। सूरत की पैकेजिंग यूनिट में लगी आग। मजदूरों ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग। बीजेपी मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक। बैठक को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा समेत तमाम नेता मौजूद। हरदोई में अस्पतालों में नहीं थम रहा अव्यवस्थाओं का दौर। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है इलाज। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रेल रोको से निकलेगा हल। जी हां, आज किसानों की तरफ से पूरे देश में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। वहीं इस आह्वान के मद्देनजर सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। ऐसे में किसान संगठन के रेल रोको आंदोलन के आह्वान के बाद अमृतसर के देवीदासपुरा गाँव में प्रदर्शनकारी किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं लखनऊ पुलिस ने कहा है कि किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए रेल रोको आंदोलन में हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और ऐसे में जिले में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू कर दी गई है। और साथ ही अगर कोई भी सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करता है तो उस पर NSA लगाया जाएगा। तो ऐसे में आज से देश भर में आज ये रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है सुबह से ही और शाम 4 बजे तक ये चलेगा। क्या कुछ इसकी मुख्य बातें हैं और क्या कुछ आज इस दौरान होने वाला है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी रेल आंदोलन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये रेल रोको आंदोलन किया गया है और शाम 4 बजे तक पूरी तरह से रेल यातायात बाधित रहेगा। ऐसे में हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। किसानों ने रेल रोकना शुरू कर दिया है और इसीलिए लखनऊ में धारा 144 भी लागू कर दी है ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसा या कोई घटना ना हो। कई जगह पर किसान नेताओं को नज़रबंद भी किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम भी कर दिया गया है क्योंकि लगातार किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और ऐसे में सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके। साथ ही बता अमृतसर में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में आज पहले से ही किसानों की तरफ से यह कह दिया गया था कि आज रेल रोको आंदोलन किया जाएगा 18 अक्टूबर को, जो सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि किसानों की तरफ से यह कहा गया है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को किया जाएगा, बहुत ही आराम से हम इसे करेंगे। लगातार लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, गिरफ्तारी उनकी हो। इसी को लेकर आज ये शाम 4 बजे तक ये किसानों का रेल रोको आंदोलन चलेगा और ऐसे में पूरी तरह से रेल यातायात बाधित रहेगा। साथ ही ये भी किसानों की तरफ से कहा गया है कि किसान कोई भी और घटना नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। सड़कें पूरी तरह से खुली रहेंगी, सड़कों पर कोई भी जाम नहीं लगेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शाम 4 बजे तक पूरी तरह से रेल रोकी जाएंगी और इसीलिए तमाम जगह पर किसान बैठ चुके हैं। तमाम तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। देश भर में यह आंदोलन चल रहा है तो ऐसे में सुबह से ही किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आ रहे हैं। चाहे वो पंजाब हो, अमृतसर हो या फिर यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ऐसे में 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, लगातार उस पर राजनीति तो की ही जा रही है लेकिन किसानों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाए। इसी मांग को लेकर पहले से ही किसानों की तरफ से ये कह दिया गया था कि 18 अक्टूबर को हम ये रेल रोको आंदोलन करेंगे अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई। और इसी
के तहत जब किसानों की आज मांगे आज तक पूरी नहीं हुई तभी आज ये रेल रोको आंदोलन किया है किसानों ने। हालांकि सड़कों पर की कुछ असर नहीं दिखेगा लेकिन ट्रेनें इसमें रोकी जा रही हैं, ट्रेनें पूरी तरह से बाधित होंगी और कई ट्रेनों के लिए रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है और कईयों को रद्द भी कर दिया गया है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। लगातार किसान ये ज़रूर कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ऐसे में लोगों को परेशानी होती है। चलिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आवाज बहुत कम आ रही है, वॉइस कम है। ठीक है जितेंद्र, अभी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो गाजियाबाद में कि ये रेल रोको आंदोलन का कितना असर देखने के लिए मिल रहा है और अब किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की तो यहाँ के जो किसान हैं वो मोदी नगर पहुंचे हैं और वहाँ पर रेल रोको अभियान जो है वो शुरू कर दिया है और ट्रेन रोक भी ली गई है। अभी जो तस्वीरें जो दिखाई गई हैं, जो मैंने भी आपको भेजी हैं, उसमें भी आप देखेंगे किस तरह से ट्रेन की पटरियों पर किसान बैठ चुके हैं और अपने संगठन के जो भी उनके नारे हैं उनको लगा रहे हैं। किसान जिंदाबाद लगा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर गाजियाबाद से सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए किसानों ने ये पहले से ही तय कर लिया था कि 18 तारीख को ये आंदोलन करेंगे किसान, सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, लेकिन क्या इससे ये कर किसानों की मांगे मान ली जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए इसके बाद भी हमने सवाल किया अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने कहा अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी काम चलता रहेगा, इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। ट्रेन रोकने की तो उस पर उन्होंने, ट्रेन हम आज नहीं रोक रहे, हमसे पहले जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो रोकती थी, जो आज सत्ताधारी पार्टियां वो भी ट्रेन रोकने का काम करती थी, तो ये तो हमने राजनेताओं से सीखा है और ये हमारा करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज गलत है तो खुद जो पार्टी है करेंगे, लेकिन उसको उनको ये बात माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, और लगातार देखिए किसानों की तरफ से कहा जाता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। आज के लिए भी कहा गया कि शांतिपूर्ण ये आंदोलन होगा, रेलों को सिर्फ रोका जाएगा, सड़कें बाधित नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भारी संख्या में किसान मोदीनगर पहुंचे हैं, वहां पर ट्रेनें रोक दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो परेशानी तब भी हो ही रही है। जी हाँ बिल्कुल, इस पे जो इस तरह की जो ट्रेन रोकी गई है तो ऐसे में एक तो त्योहारी सीजन है, लोग अपने घरों के लिए जाते हैं तो उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग ट्रेन से जाते हैं आमतौर पर, जो भारत की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो ट्रेन पर निर्भर हैं। अब जब वो ट्रेन रोकी जाएगी तो कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी तो होगी, लेकिन इसमें एक चीज ये भी निकलकर सामने आई है, जो भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं वो जो ट्रेन जो रोक रहे हैं उसमें यात्रियों को खाना वगैरह तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है समय की, कि अगर कोई भी ट्रेन रुकती है तो उससे पूरा जो ट्रेन का रूट है वो डाइवर्ट होता है, वो डिस्टर्ब होता है, तो उससे जो है यात्रियों को परेशानियां होती हैं। इस पे भी अगर हमने इस पे भी सवाल पूछा था राकेश टिकैत से तो उनका यही कहना था कि जनता की लड़ाई है, जनता के लिए लड़ रहे हैं और हमसे ज्यादा ट्रेनें तो सरकार ने रोकी हुई है और उन्होंने लगभग 2 साल से ट्रेन रोकी हुई है और आज हम अगर वो 200 ट्रेन रोकते हैं, हमेशा हम 2 ट्रेन रोक रहे हैं तो जनता पे बिल्कुल जितेंद्र राकेश टिकैत ये जरूर कहते हैं जैसे आप भी अभी बता रहे हैं कि जनता की लड़ाई है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन परेशान भी तो जनता ही इससे हो रही है, नाराजगी क्या दिख रही है लोगों में? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में नाराजगी है, हालांकि वो सामने नहीं आएगी, लेकिन लोगों में नाराजगी है क्योंकि एक तरफ NH9 बंद है, दूसरे तरफ जो रूट है वो भी बंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। अब ये चीज है कि उसको आगे वो निकल कर किस तरह से आती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल जितेंद्र, आप अभी जिस जगह पर मौजूद हैं, क्या आपके आसपास कुछ लोग हैं, अगर उनसे आप बातचीत कर पाएं कि जिस तरह से किसान लगातार कभी पूरा देश बंद करते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उससे आम लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ जो किसान है, यहाँ के किसान ज़्यादातर मोदी नगर के लिए या फिर अलग अलग अपने अपने जिले के लिए जा चुके हैं और वहाँ पर ट्रेन रोको अभियान का जो है शुभारंभ कर रहे हैं, वहाँ लगे हुए हैं ट्रेन रोकने का काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ की बात की जाए, जिस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ कुछ चुनिंदा किसान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बारिश का समय है, जितेंद्र आप बात कर सकते हैं क्या उन किसानों से, टेंटों में है या फिर अपने जिले में गए हुए, ट्रेन अभियान को रोक रहे हैं। जितेंद्र आपके आसपास कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, क्या आप बात कर सकते हैं उन लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, इसमें एक बुजुर्ग किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। बाबू जी आप चैनल पर लाइव हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो ट्रेन अभियान रोको का जो अभियान चल रहा है, जो ट्रेन आप रोक रहे हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी, एक बार बताना चाहेंगे? बताइए। हाँ, घंटे दो घंटे पीछे और की है मामला। देखिए ये इनका यही कहना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो और भी आगे भी ट्रेन को रोकेंगे। ज्यादातर जो किसान हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सब अपने जिलों में गए हुए हैं और अपने जिलों के हिसाब से ही कमान संभाल रहे हैं, ट्रेन रोकने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए लगातार बारिश भी कल से ही हो रही है, तो ऐसे में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ज्यादा बारिश है, तो उसके बावजूद भी कितना असर इसका देखने के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे का समय जो है रखा गया था, लेकिन बारिश के चलते इस समय में थोड़ी सी तब्दीली हुई, 11 बजे के बाद तस्वीरें थोड़ी सी निकलकर सामने आने लगी। और कई जगहों पर ये भी सुनने में आया है कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं, उनके घर पर कल से ही पुलिस पहरा दे रही है और उनको घर से निकलने के लिए मना कर रही है। तो ऐसे में जो किसान नेता जो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए इनके कार्यकर्ताओं की या फिर इनके दूसरे लीडर की, जिनके घर जो अपने घर से किसी तरह से निकल चुके हैं, तो वो ट्रेन को रोकने का पूरी तरह से अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। और अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में लगभग बहुत से स्टेशन ऐसे हैं, लगभग 5 से 6 स्टेशन है मोदी नगर में ही जो है वो ट्रेन रोकने का काम किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, आप जिस तरह से अभी बता रहे थे कि कुछ किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है, लेकिन देखिए किसानों को नजरबंद करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि बाकी जो किसान हैं वो तो इस आंदोलन को बढ़ा ही रहे हैं, वो तो रेल रोक ही रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए उससे कम से कम इतना तो हुआ है कि जो सरकार है, तो सरकार भी कहीं आने वाला, अब जो चुनाव है, तो ऐसे में किसानों की इस तरह की जो रणनीतियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के जब चुनाव आएंगे तो उस पर भी असर डाल सकते हैं। तो इसलिए सरकार भी अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अगर किसान आंदोलन की इस तरह की बात की जाए तो इस तरह के जो भी ये अभियान हुए हैं उसमें अगर 26 जनवरी का आप ले लीजिए या फिर सिंधु बॉर्डर पर जो अभी हत्या हुई है, तमाम चीजें भी हैं कि अराजकता भी फैल सकते हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, सरकार अपना काम कर रही है और किसान अपना काम कर रहे हैं। चलिए जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें हमें तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में आज किसानों का ये रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है, हालांकि बारिश कई जगहों पर पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी किसान अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 बजे तक रेल यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा, मोदीनगर में ट्रेनें रोक दी गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि किसान ट्रेन में बैठे लोगों को खाना तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो लोग समय से घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 4 बजे तक ट्रेनों को आगे बढ़ने की इजाजत किसानों की तरफ से नहीं दी जाएगी। और इसी को लेकर तमाम जगह पर इसका काफी असर भी देखा जा रहा है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, दिखा भी रहे हैं हम आपको। हालांकि आज इस रेल रोको आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, पहले आपको ये सुना देते हैं। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज 18 तारीख है, आज के दिन किसानों का रेल रोको आंदोलन है। इस वक्त हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश टिकैत, इनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे आज जो रेल रोको आंदोलन है कहाँ कहाँ पर है और किस तरह का प्रोग्राम है? ये तो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोग करते हैं, उनको सब पता रहता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से रेल गुजर रही और वहाँ पर प्रोग्राम इसको करते हैं। और ज़्यादातर ये प्लेटफार्म से हट के होता है, जो रेलवे स्टेशन होता है उसके आसपास कहीं ये करते हैं। अच्छा, तो आज किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ किस तरह की? गाजियाबाद में मोदी नगर है, वहाँ पर रहेगा और लोग बैठेंगे। अगर वहाँ पर ट्रेन आएगी तो उन ट्रेनों को फल फ्रूट दूध चाय वो देते हैं।
तो ऐसे में किसानों का ये रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है। हालांकि इसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। और लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी से ही सीधा जानेंगे कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं और कितना असर इसका दिख रहा है। रूबी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी परुण। रूबी, किस तरह की तस्वीरें अभी आप देख पा रही हैं? धारा 144 भी लागू कर दी गई है लखनऊ में, क्या कुछ हो रहा है अभी वहां पर? परुल, लखनऊ समेत धारा 144 लागू है। हालांकि कमिश्नर ने पहले ही कल बैठक करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद आते हैं उन सभी में धारा 144 लागू है। और उन्होंने डीएसपी है, एडीसीपी है और एसएसपी हैं, सभी के साथ बैठकर उन्होंने एक बैठक करी थी जिसमें उन्होंने कहा था अगर कोई भी उपद्रव करता है या कोई अफवाह भी फैलाता है तो उसके तहत रासुका लगाई जाएगी, यानी कि सरकार तैयार है। इसके साथ बता दूं अभी ताजा अपडेट यही मिल रही है कि लखनऊ समेत जो रेलवे ट्रैक है उनको जो जाम करने की प्रक्रिया थी उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से ये सूचना मिल रही थी कि वहां पे किसान आंदोलन कर रहे थे जो लोग, उन्होंने ट्रैक जाम किया था जिसके वजह से वहां के जो जीआरपी थाना लगता है उन्होंने उसके अंतर्गत रखते हुए उन्होंने अपने हिरासत में उन जो भी किसान आंदोलन कर रहे थे उनको अपने अंडर में ले लिया है। तो आज का जो दिन है काफी खास देखने को मिल रहा है कि लखनऊ के तमाम जो रेलवे ट्रैक हैं या जनपद के जितने भी तमाम रेलवे ट्रैक है उन सभी को आज किसान ने पहले ही भी बोल दिया था कि जाम किया जाएगा, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। जी पारुल। बिल्कुल रूबी, देखिए किसानों की एक तरफ मांग है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तारी उनकी हो, लेकिन आज जो रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है पहले से ही कह दिया गया था, तो कितना असर इस आंदोलन का सरकार पर पड़ेगा? देखिए सरकार पहले भी बोल चुकी थी कि जो भी सुनवाई होगी उसको माना जाएगा, आंदोलन कोई भी होगा उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, यानी कि 44 पेशी कंपनी जो है उनको तैनात कर दिया गया था और अर्ध सैनिक बल जो है 4 कंपनियों को खास तौर से लखीमपुर में इंतजाम किया गया है। पहले जब चेतावनी दी गई थी किसान आंदोलन की तरफ से कि अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे उनका जो आंदोलन है वो लगातार तेज होता चला जाएगा। लेकिन ऐसे में योगी सरकार ने खास तौर से इंतजाम कर लिए थे कि वो मौका नहीं देना चाहती है विपक्ष को कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बहाने ही सही लेकिन सरकार को ना घेरा जाए, इसीलिए उन्होंने पहले से पूरे इंतजाम कर लिए थे। थाना सारे लोगों को सूचित कर दिया गया था, जितने भी जिले आते हैं उन सबको कह दिया गया था अगर कोई भी उपद्रव करता है तो सीधा रासुका लगाया जाए। तो यहीं से इशारा होता है कि योगी सरकार मौका नहीं देना चाहती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, भले किसान आंदोलन तेज होता जाए लेकिन योगी सरकार जो है वो अपनी कार्रवाई में कहीं से भी किसी को बाधा नहीं डालने देगी। बिल्कुल रूबी, और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, तो क्या लखनऊ में भी इस तरह की तस्वीरें देख पा रही हैं आप? क्या लखनऊ में भी कुछ किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है? देखिए लखनऊ के खास अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में जो रेलवे ट्रैक था वहां पे कुछ लोग पहुंचे जरूर थे, लेकिन जीआरपी थाना जहां पे जो लगता है चारबाग वहां पे पहले से इंतजाम करा गया था, वहां से पहले ही से सेना बुला के रखा गया था कि अगर ऐसे तौर पे कहीं से बल की जरूरत पड़ रही है तो वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई सूचना अभी नहीं मिल रही है कि लखनऊ में किसान आंदोलन के तहत जो भी नेता है उनकी गिरफ्तारी हुई है, या ये भी कह सकते हैं कि बाकी जिलों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां से भी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है कि किसानों के जो नेता है उनके कहीं से गिरफ्तारी हो पाए। बिल्कुल रूबी, जिन किसानों को जो रेलवे ट्रैक पर गए थे उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, तो यानी कि क्या अब लखनऊ में ट्रेनें स्मूथली चल रही हैं जिस हिसाब से पहले चलनी थी? जी पारुल, अभी भी कोई डाइवर्जन मूड नहीं दिया गया है, सारे जो ट्रेनें हैं अपने समय पे चल रही है। कुछ ट्रेनें ऐसी थी जो दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी उनमें समय थोड़ा सा चेंज जरूर किया गया है, यानी कि आधा एक घंटे का समय जो था उसमें तकरीबन तब्दीली जरूर की गई है। लेकिन ये बता दूं कि बाकी जो ट्रेनें हैं उन पे कोई असर नहीं देखने को मिला है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन है, सुबह का समय है, दिन होते होते कुछ समय बदल सकता है। लेकिन अगर हम खासतौर से लखनऊ से दिल्ली रास्ते की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन रास्तों में अभी कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि डायवर्जन रूट को बदला गया है या ट्रेनों का जो समय है उनको बदलाव कर दिया गया है।
क्योंकि दिल्ली की ओर जाने वाली जो भी ट्रेनें हैं उनमें सुबह की जो तकरीबन ट्रेनें थी उनको थोड़ा सा आधा एक घंटे के लिए जरूरी लेट किया गया था, लेकिन अभी जो समय निश्चित किए गए थे जो पहले से समय है उन समय पे ही ट्रेन निकल रही है और दिल्ली की तरफ खासतौर से ध्यान रखा जाए। बिल्कुल रूबी, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है लखनऊ में, क्योंकि किसानों ने कोशिश तो की लेकिन प्रशासन ने किसानों की इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया। पारुल देखिए, सबसे पहले एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर योगी सरकार इस लड़ाई करने के लिए तैयार है तो किसान आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले से इनकी जो मांगे थी लखीमपुर को लेकर कि अजय मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, हालांकि एक पूरा ड्रामा जरूर हुआ था, आशीष मिश्रा को जब पहुंचाया गया उसके बाद उनको कस्टडी में लिया गया, उसके बाद पहले ही राकेश टिकैत थे उन्होंने ये कहा अगर इनकी मांगे पूरी उन मांगों को लेकर अगर सरकार पूरी तरीके से खड़ी नहीं उतरती है तो उनका यह आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी ये जो देखने को मिल रहा है सरकार पहले से ही तैयार, यानी कि 44 पीएससी कंपनी को पहले से तैयार कर लिया गया, तो इससे साफ इशारा है कि योगी सरकार पूरी तरीके से फॉर्म में है और वो बिल्कुल तैयार है। चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हम तक ये तमाम बातें पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में आज किसानों का जगह जगह पर रेल रोको आंदोलन है, हालांकि लखनऊ में कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बता दें आपको, रेलवे ट्रैक पर कुछ किसान पहुंचे थे तो प्रशासन की पूरी तरह से पहले से ही तैयारी थी, हालांकि योगी सरकार पूरी तरह से पहले से तैयार थी क्योंकि एक बैठक भी हुई थी 2 से 3 दिन पहले जिसमें पूरी तरह से एक रूट मैप तैयार कर लिया गया था, एक रणनीति तैयार कर ली गई थी कि किस जगह पर किस तरह से तैनाती सुरक्षा बलों की जाएगी ताकि कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके। इसी को देखते हुए आज जब लखनऊ में किसान पहुंचे रेलवे ट्रैक पर तो उन्हें वहां से हिरासत में ले लिया गया है, तो इसीलिए लखनऊ में ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट नहीं हुआ है, ट्रेन वहां से आराम से अपने समय के अनुसार ही वहां से जा रही है। लेकिन कई जगहों पर अगर मोदीनगर की बात कर ली जाए, गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो वहां पर किसानों ने ट्रेनों को जरूर रोका है। आपको ये भी बता दें कि यात्रियों को भले ही किसान खाना भी दे रहे हैं ट्रेन में जो बैठे हैं, लेकिन एक समय की बात है कि 4 बजे तक ये ट्रेनें वहां से जाने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाएगी किसानों की तरफ से। दरअसल किसानों की लगातार मांग है कि अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो और इस पूरे लखीमपुर खीरी के मामले में सही से कार्रवाई हो, इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अजय मिश्रा पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जाँच नहीं होगी और किसी भी तरह की ढंग से कार्रवाई नहीं होगी जिस तरह से कार्रवाई किसान कराना चाह रहे हैं। इसीलिए इन सभी मांगों को लेकर आज किसानों ने पहले से ही इस आंदोलन का कहा था कि 18 अक्टूबर को हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, जिसे आज पूरे देश भर में देखा भी जा रहा है। सुबह 10 बजे से ही इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।